हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीड। तो आज हम लोग लेकर के आए हॉटस्पॉट एपिसोड नंबर 15 और इसके टॉपिक्स हैं कॉन्ड्रेक्थीज एंड ऑस्ट्रेक्थीज। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मेंटर डॉक्टर एस पी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल मिशन को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करते हैं कॉन्ड्रेक्थीज एंड ऑस्ट्रेक्थीज। तो एज यू ऑल नो ये क्लासेज है और वर्टिब्रेटा में दो डिविजन्स हैं, वर्टिब्रेटा में दो डिविजन्स हैं, एक है एग्नेथा और दूसरा नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, तो जैसा सबको पता है नेथो का मतलब होता है जॉ और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो इसमें जॉ प्रेजेंट होगा और ये विदाउट जॉ, ए मीन्स एब्सेंट, तो यहाँ पर विदाउट जॉ बिना जबड़े के। तो अभी हम लोगों को एग्नेथा से मतलब नहीं, हम लोगों को नेथोस्टोमेटा से मतलब है क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रेक्थीज। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है किस में, दो सुपर क्लासेस में। दो सुपर क्लासेस कौन सी हैं, दो सुपर क्लासेस पाइसिस एंड टेट्रापोडा, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। और ये डिवीजन किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कौन से हैं, यहाँ पर फिन्स हैं, यहाँ पर लिम्स। फिर पाइसिस में दो क्लासेस हैं कॉन्ट्रेक्थीज एंड ऑस्ट्रेक्थीज। यहाँ पर दो क्लासेस हैं कॉन्ट्रेक्थीज और ऑस्ट्रेक्थीज, कॉन्ट्रेक्थीज एंड ऑस्ट्रेक्थीज। तो इन्हीं की क्लासेस के बारे में हम लोगों को देखना है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू ऑल नो इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसको कंपैरिजन करके याद रखना है। तो कॉन्ड्रेक्थीज, कॉन्ड्रेक्थीज वर्ड जो ये ओरिजिन हुई है इसकी, ये कॉन्ड्रोगीक वर्ड है कॉन्ड्रॉस, और इसका मतलब होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज। और इक्थीज सबको पता ही है, ये फिशेस के लिए। तो ये कौन सी हो गई, ये कार्टिलेजनस फिशेस हो गई जिसमें कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजनस फिशेस। तो कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन है यहाँ पर, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन मैरीन एनिमल्स, और ये मोस्टली मैरीन है, सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है, मोस्टली मैरीन है ये, मोस्टली मैरीन विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या हुआ, ये ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती, इनकी बॉडी स्विमिंग में हेल्पफुल होगी, तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया 2011-2016 में। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, तो यहाँ पर अगर हम लोग फिश को देखेंगे, जॉ जो शार्क फेस है उसको देखें, तो यहाँ पर ये इसका माउथ होगा और ये यहाँ पर इसके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से कुछ बनाई जाती। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कहाँ पर है, वेंट्रल लोकेटेड है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड यहाँ पर परसिस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ, ये ध्यान रखना। और ऑस्ट्रिक्थीज में ये रिप्लेस हो जाएगी बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। गिल्सलिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम, गिल्सलिट्स कैसे हैं, ये गिल्सलिट्स ये सेपरेट हैं और विदाउट ऑपरकुलम, इनके ऊपर कवर नहीं है, गिल कवर को बोलते हैं ऑपरकुलम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम। और ऑस्ट्रिक्थीज में विद ऑपरकुलम है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स, यहाँ पर कैसे हैं, माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स हैं। जबकि अगर ऑस्ट्रिक्थीज की बात की जाएगी तो वहाँ पर स्केल्स कैसे होंगे, वहाँ पर स्केल्स हैं साइक्लॉइड या टीनॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड, सर्कुलर ग्रोथ होगी। और यहाँ पर ये कैसा होगा, ये बैकवर्डली डायरेक्टेड है इस तरह से, स्पाइन ये मीडियन स्पाइन है, ये बैकवर्डली डायरेक्टेड है, इस तरह से होंगे यहाँ पर प्लैकॉइड स्केल्स। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स, टीथ क्या है, ये प्लैकॉइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनेंगे, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और ये पीछे की तरफ डायरेक्टेड होंगे। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर,
एयर ब्लैडर यहाँ पर एब्सेंट है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो ऑब्वियसली बात है कार्टिलेजिनस फिश हैं और बोनी फिश, हैवी कौन सी होगी? बोनी। तो बोनी फिश को एयर ब्लैडर की ज़रूरत पड़ेगी, कार्टिलेज हल्का है तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर और इसी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। बाकी फिर हार्ट, हार्ट के लिए यहाँ पर टू चैम्बर्ड, ये कॉमन फीचर है पाइसिस का, चाहे वो ऑस्टिक थीज हो या कॉन्ट्रिक थीज हो, टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। और ये जो हार्ट जो टू चैम्बर्ड है ये इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेनस सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में सिर्फ इम्प्योर ब्लड होगा, वेनस सर्कुलेशन भी। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और सम पजेस पॉइजन स्टिंग। इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको टॉर्पीडो नाम दिया गया है, पॉइजन स्टिंग इसको ट्राइगॉन स्टिंग रे। दे आर कोल्ड ब्लडेड, तो ये भी कॉमन फीचर है पाइसिस का, वार्म ब्लडेड। वैसे बर्ड्स एंड मैमल्स ये जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड है, इसके अलावा जो भी हैं वो कैसे हैं? वो कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस या इसी के लिए एक्टोथर्मिक। तो ये तीनों टर्म अप्लाई होंगे फिशेस पर, एक्टोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मस। इसका मतलब क्या हुआ? पोइकिलोथर्मस, इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसा जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा वैसे ही उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो इनके अंदर रेगुलेशन की क्षमता नहीं है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है, मतलब ये डायोशियस होंगे। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स इंपॉर्टेंट है, ये किस में प्रेजेंट है? कॉन्ट्रिक थीज में प्रेजेंट है, मेल्स में प्रेजेंट है, पेल्विक फिन्स बियर करती हैं। और क्लैस्पर्स का काम क्या होता है? ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, अपोजिट पार्टनर को होल्ड करेगा, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विवीपैरस, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ये विवीपैरस हैं, जबकि ऑस्टिक थीज में ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और विवीपैरस की जगह मोस्टली कैसे हैं? ओवीपैरस। विवीपैरस और ओवीपैरस क्या है? विवीपैरस जो विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं वो विवीपैरस, और जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं ओवीपैरस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर ध्यान रखना। और हाँ, गिल स्लिट्स के लिए ध्यान रखना, गिल स्लिट्स जो साइक्लोस्ट्रोमेटा में हैं वो 6 to 15 पेयर्स, पेयर्स भी ध्यान रखना, साइक्लोस्ट्रोमेटा में 6 to 15 पेयर्स, 6 to 15 पेयर्स। और इसके अलावा दूसरा जो है ये कॉन्ट्रिक थीज में है 5 to 7 पेयर्स, यहाँ पर है 5 to 7 पेयर्स, और ऑस्टिक थीज में है 4 पेयर्स, ऑस्टिक थीज के मेंबर्स में 4 पेयर्स। तो ये नंबर याद रखना, 6 to 15 पेयर्स इंपॉर्टेंट है, 5 to 7 पेयर्स एंड 4 पेयर्स। इसके अलावा यहाँ पर इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो स्कॉलियोडॉन का कॉमन नेम डॉग फिश, प्रेस्टिस सॉ फिश, कार्कैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, एंड ट्राइगॉन इज स्टिंगरे। तो ये सारे एग्जांपल्स भी इसके इंपॉर्टेंट हैं, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ये। तो कॉन्ट्रिक थीज वी हैव कवर्ड, नाउ वी मूव टू ऑस्टिक थीज, क्लास ऑस्टिक थीज, दूसरी क्लास है ये सुपर क्लास पाइसिस की, ऑस्टिक थीज। ऑस्टिक थीज ये भी ग्रीक वर्ड है ऑस्टियन, उससे लिया गया है, और ऑस्टियन का मतलब होता है बोन। तो ये बोनी फिशेज हैं, इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही हैं, बोनी एंडोस्केलेटन है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी, हेल्पफुल होगी स्विमिंग के लिए। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, जो फिश हम लोग इसकी ड्रॉ करते हैं माउथ कैसा होगा? मोस्टली इसमें टर्मिनल पोजिशन पर है, ये टर्मिनल माउथ। और जॉज जो हम लोग शार्क फिश बना रहे थे वहाँ पर कैसा था? वेंट्रल। तो ये टर्मिनल माउथ है, यहाँ पर टर्मिनल माउथ। दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ऑपरकुलम, यहाँ पर ये ऑपरकुलम होता है जो इसको कवर किया होगा गिल्स स्लिट्स को।
तो कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम फोर पेयर्स, और ऑस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टीज में हम लोगों ने देखा था वहाँ पे 5 to 7 पेयर्स था विदाउट ऑपरकुलम था। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉयड और टीनॉयड स्केल्स, स्केल्स याद रखना, यहाँ पर साइक्लॉयड और टीनॉयड स्केल्स हैं। साइक्लॉयड और टीनॉयड स्केल्स में इस तरह से बीच में न्यूक्लियस और ये सर्कुलर ग्रोथ इस तरह से होगी, और यहाँ पर ये छोटे छोटे टीथ हैं जिनको टीनी बोलते हैं, तो टीनॉयड स्केल्स। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी, यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है बोन हैवी होगी तो इसको बायंसी प्रोवाइड करने का काम करेगा एयर ब्लैडर, और स्टिक्थीज में प्रेजेंट है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, कॉमन फीचर है पाइसिस का, दो चैम्बर हार्ट होगा, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, सिंगल सर्कुलेशन होगा, और उसको वेनस सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि हार्ट में इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करेगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कॉमन फीचर है कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज का, और हम लोगों को पता है बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड है उनको छोड़ करके बाकी कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट एंड डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन ये ध्यान रखना, वहाँ पर इंटरनल था यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मोस्टली ओवीपेरस हैं ये, मोस्टली ओवीपेरस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और डेवलपमेंट कैसा होगा डायरेक्ट है। एक यहाँ पर और डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो क्या है, ये जो बोनी फिशेज हैं ये कैसी होंगी, अमोनोटीलिक या यूरियोटीलिक, बोनी फिशेज ये कैसी होंगी, अमोनोटीलिक या यूरियोटीलिक, अमोनोटीलिक और यूरियोटीलिक कैसी हैं ये, तो याद रखना बोनी फिशेज, मोस्टली बोनी फिशेज कैसी होती है, अमोनोटीलिक होती है, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी, और जो कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स थे वो कैसे होते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजनस फिशेज जो होती हैं वो यूरियोटेलिक, और मोस्टली बोनी फिशेज जो होंगी ये अमोनोटेलिक। तो ये फीचर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसको याद रखना। और एक पॉइंट और यहाँ पर, ये कॉडल फिन जो टेल में फिन है उसको कॉडल फिन बोलते हैं, और ये कैसी है, होमोसर्कल, होमोसर्कल मतलब ये इक्वल लोब्स में डिवाइडेड है, सिमेट्रिकल है, अपर और लोअर लोब्स कैसे हैं इक्वल साइज के हैं, तो होमोसर्कल। और जो कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स हैं वहाँ पर हेट्रोसर्कल है। तो अगर आप इस फिश को और जो शार्क फिश है उसका फीचर दी इस इमेज को ध्यान रखेंगे तो काफ़ी कुछ पॉइंट्स आपको इसके याद रहेंगे दोनों में डिफरेंस। इसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो मैरीन फिश में एग्जांपल्स क्या हैं, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ये मैरीन है। फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स हैं लेबियो रोहू, कटला कटला और क्लेरियस मागुर, कॉमन कार्प भी फ्रेश वाटर फिश है। एक्वेरियम फिशेज में बेटा जिसका नाम है फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम जिसका नाम है एंजल फिश, एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए अब इसके हम लोग PYQs अटेम्प्ट कर लेते हैं जो इन क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। तो हम लोगों ने गिल स्लिट्स आप ही नोट कर लिए थे, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में कितने थे, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था किस में, कॉन्ड्रिक्थीज में, तो कॉन्ड्रिक्थीज में कितने हैं, कॉन्ड्रिक्थीज में थे हम लोगों के 5 to 7 पेयर्स, पूरा याद रखना 5 to 7 पेयर, और इसमें ऑस्ट्रिक्थीज में 4 पेयर्स। तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स ये किस में हो गए, साइक्लोस्टोमेटा में हो गए। हेट्रोसर्कल कॉडल फिन अभी हम लोगों ने देखा, ये किसका मेंबर है, ये किसका फीचर है, कॉन्ड्रिक्थीज मेंबर्स जो होंगे उनमें हेट्रोसर्कल। एयर ब्लैडर बायंसी प्रोवाइड करेगा किस में, ऑस्ट्रिक्थीज में। पॉइजन स्टिंग, स्टिंग रे में ट्राइगोन, तो ए सेकंड और एक ही में ए सेकंड है, तो ऑप्शन आप वैसे टिक कर सकते हो, ए सेकंड, बी इज थर्ड, फोर सी इज फोर एंड डी इज वन, मतलब फर्स्ट।
Now we move to next question. Which of the following characteristic feature always holds true for the corresponding group of animals? कौन सा फीचर है जो सही है? तो possess a mouth with an upper and lower jaw. Mouth with an upper and lower jaw. किस में प्रेजेंट होगा ये? ये वैसे तो कॉर्डेटा का फीचर, लेकिन सब में नहीं होगा. एग्नेथा में नहीं है, सिर्फ नेथोस्ट्रोमेटा में विद अपर एंड लोअर जॉ. और यहाँ पर पूछा गया ऑलवेज, इस वर्ड पे ध्यान देना, ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, तो ये गलत हो गया. थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, और इसमें भी ऑलवेज नहीं है, क्योंकि ये क्रोकोडिलिया जो ग्रुप है क्रोकोडाइल्स का, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, पूरा ग्रुप जो है उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है, फोर चैम्बर्ड, तो ये भी गलत हो गया. कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, ये कॉन्ड्रेक्थीज में, कार्टिलेजनस फिशेस कॉन्ड्रेक्थीज, और विवीपेरस मैमल्स, तो विवीपेरस भी सारे मैमल्स में नहीं है, ऑलवेज नहीं, क्योंकि ये मोनोट्रीम्स जो होते हैं, जो एकेडना या ऑर्निथोरिंकस, डग बिल्ड प्लेटिपस, एकिडना, स्पाइनी एंटीटर भी जिसको बोलते हैं, डग बिल्ड प्लेटिपस. यहाँ पर या एकिडना, स्पाइनी एंटीटर, ये इसके एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर ओवीपेरस होते हैं. ये मैमल्स हैं, बट ये ओवीपेरिटी शो करते हैं. ओवीपेरस मतलब एग लिंग, विवीपेरस जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, ये सही है. कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर में कार्टिलेजनस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो यहाँ पर भी हम लोगों को इस पे स्ट्रेस देना है, विदाउट एनी एक्सेप्शन जो सही हो. तो साइक्लोस्ट्रोमेटा में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ सही है, जॉज एब्सेंट है, ये भी सही है, इंटेगमेंट विदाउट स्केल्स, ये भी सही है, बट पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है. यहाँ पर पेयर्ड अपेंडेजेस भी एब्सेंट हैं, तो ये गलत हो गया. एक्सेप्शंस हैं इसके, बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, स्किन मॉइस्ट, तो ये गलत, ड्राई स्किन है, तो एव्स, ये भी गलत हो गया. मैमेलिया, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, तो मैमेलिया का जो फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन है वो है मैमरी ग्लैंड्स एंड डायफ्राम. बाकी जो है ये पिन्ना, ये मोनोट्रीम्स में नहीं है. टू पेयर्स ऑफ लिम्स एक्वेटिक मैमल्स में नहीं है. हेयर्स, इन सब का एक्सेप्शंस हैं. कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेजनस फिशेस, माउथ वेंट्रल है सही है, स्किन विद एक्वाइड स्केल सही है, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड भी सही है, लेकिन गिल्स विदाउट ऑपरकुलम, इसका एक्सेप्शन है काइमेरा, ये एक्सेप्शन है इसका. तो यहाँ पर सारे ही हैं जहाँ पर एक्सेप्शन प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होना चाहिए था नन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. मैरीन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. मैरीन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट किस में, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में, टॉर्पीडो में. प्रिस्टिस सॉ फिश है, आरी के दांत आरी की जैसा है इसका मुँह. ट्राइगॉन स्टिंगरे और स्कॉलियोडॉन डॉग फिश. स्मेलिंग पावर ज़्यादा है तो स्कॉलियोडॉन, इसीलिए नाम दिया गया डॉग फिश. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन. कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. तो ऑल रेप्टाइल्स पजेस स्केल्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड. तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट इसके एक्सेप्शंस हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है. क्रोकोडिलिया, क्रोकोडाइल्स, इसमें फोर चैम्बर्ड. ऑल बोनी फिशेज हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ऑपरकुलम. ऑल स्पंजेज आर मैरीन. तो स्पॉन्जिला जो है इसका एक्सेप्शन है, ये भी गलत हो गया. ऑल मैमल्स आर विवीपेरस एंड पजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग. विवीपेरस, ये गलत हो गया. ओवीपेरस भी हैं, जैसे डगबिल्ड प्लैटिपस और एकिडना, स्पाइनी एंटीटर. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होगा, ऑल बोनी फिशेज हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन. एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्ट मैचिंग कौन सी होगी? यहाँ पर भी विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको बताना है.
तो रेप्टिलिया, इसका फोर चैम्बर्ड हार्ट ही एक्सेप्शन है, किसमें, क्रोकोडाइल्स में, ये हो गया। इसके बाद कॉर्डेटा पजस है, माउथ एंड अपर एंड लोअर जो, ये भी सिर्फ नेथोस्टोमेटा में, एग्नेथा में नहीं है। कॉन्ड्रिक्थीस पजस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थीस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, सही है। एमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, गलत, सारे के सारे नहीं, एक्सेप्शन इसका भी है, मोनोट्रीम्स। तो यहाँ पर सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। सो वी हैव कवर्ड क्वेश्चंस आल्सो ऑफ दिस टॉपिक, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्ट्रिक्थीस, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।